आई बी एस अखर मुल्क में बैन अलाक्वामी मयार की तालीम फराहम करने में पेश पेश। यूनिवर्सिटी ने इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल और रोबोटिक टेक्नोलॉजी कोर्सेज की बदौलत एक अलग पहचान बना ली है। मजीद बताएंगी आयशा नाज। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं IBS सखर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम बच्चों को फराहम की जा रही है वो अपनी मिसाल आप है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं कि जो IT और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेवलपमेंट हो रही है और जो लैब काम कर रही है, कौन कौन सी लैब है और इस लेबॉरेटरी में क्या काम हो रहा है। थैंक यू सर आपका टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि इस यूनिवर्सिटी में AI और बाकी चीज़ों पे कैसे काम। अच्छा, सखर अभी यूनिवर्सिटी में हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स को कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ तरीके से मुजीन कर रही हैं, उनको उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। पाकिस्तान की पहली और वाहिद फैब लैब हमारे पास मौजूद है सखर अभी यूनिवर्सिटी में, जो MIT USA के इश्तराक से हमने डेवलप की है। जी बिल्कुल, इस लेबॉरेटरी में AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी को भी स्टूडेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और ये सखर की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत उम्दा तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और दीगर जो लैब्स हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को आगाह किया जा रहा है।